वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड आफ्टरनून, हाँ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास अगेन। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। देखो हम फिजिक्स में जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तक पहुंच चुके हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का चैप्टर अपना आगे बढ़ रहा है और अब उसका अंजाम तक पहुंचने वाला है वो। अब सुपरपोजिशन जो है वो आखिरी आखिरी दौर में चल रहा है। उसका जो थ्योरी है थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इस वजह से मैंने उसको जो है वो निपटाने की सोचा कि ये जो बड़ा चैप्टर है अपन इसको अगर थ्योरी निपटा दिए तो अपने जो है जैसा रोटेशनल डायनामिक्स का जो है वो बड़ा चैप्टर है, अपने को बहुत टाइम लगा था उसको, आप लोगों को याद होगा अपन ने रोटेशनल डायनामिक्स कम से कम 1.5 महीना तक के रोटेशनल डायनामिक्स पढ़े थे, शायद आप लोगों को याद होगा। तो वैसे ही मैंने सोचा कि जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है ये बड़ा चैप्टर है, इसकी थ्योरी बहुत है, तो मैं उसको पहले निपटा देता यहाँ पर ऑनलाइन में, ताकि बाद में आप लोगों को वो वीडियो भी अवेलेबल हो जाए अगर आपको रिवीजन करने का समय आ जाए तो। ओके, रिवीजन करने का अगर आपका समय आ गया तो आप उसको जो है रिवाइज भी कर सकते, आप लोगों के पास वीडियो अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो हाँ सब कुछ बराबर है स्वप्निल, मेरे तरफ से सब बराबर है, थोड़ा सा तुम्हारा जो है वो चेक करो नेट। ओके, बाकी बच्चों को सब बराबर चल रहा है स्वप्निल, तेरा देख जरा सा। ओके, रेंज में आ जा स्वप्निल। ओके, तो देखो सुपरपोजिशन उपयोग में मैं आगे बढ़ता और अपन जो है प्रॉब्लम जा रही शायद थोड़ी, हाँ है बरा। ओके, एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज़ वेल, सेटअप इज़ गोइंग वेल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, कुछ एनसीईआरटी का कॉर्नर आप लोगों को मैं बाद में लेने वाला हूँ नीट और JEE के लिए, जिसमें लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटी रहने वाली है। लेकिन जो अभी अपन स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं, हाँ सर 1.5 महीना पढ़े थे अपन ने, बराबर है सिद्धांत, अपन ने इसको 1.5 महीना पढ़े थे रोटेशनल डायनामिक्स को। तो वैसा ही ये चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें थ्योरी बहुत है और जो है वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे खासे इसके अंदर है, तो मैं सोचा कि इसको अपन निपटा देंगे पहले। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर मैंने जो शुरू किया था ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए थे, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप, पाइप के अंदर जो एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहा है उसमें अपन ने सबसे पहले पढ़े थे क्लोज एट वन एंड, उसका अपन ने देखे थे, फिर अपन ने ओपन एट बोथ दी एंड पढ़े थे, शायद आप लोगों ने लेक्चर देखे होंगे अच्छे तरीके से। ओके, तो ओपन एट बोथ दी एंड का कॉन्सेप्ट भी अपन ने पढ़ चुके। ओके, फिर उसके बाद अपन जो है, हाँ हर्षा बच्चा देखो सब बराबर है मेरी तरफ से, आप थोड़ा सा रेंज में जाओ स्वप्निल और हर्षा पेटकर। ओके, हाँ फिर अपन जो है अगर ज़्यादा बफरिंग हो रहा होगा तो मुझे जो है वो मैसेज करो। ओके, ज़्यादा बफरिंग हो रहा होगा तो मैसेज करो मुझे, मेरे ख्याल से तो बफरिंग नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो बफरिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों दो लोगों का, हर्षा का बफरिंग हो रहा था और स्वप्निल का बफरिंग हो रहा था, तो स्वप्निल हर्षा थोड़ा रेंज में जाओ बच्चा लोग। ओके, तो देखो यहाँ पर अभी जो मैं आप लोगों को एंड करेक्शन के बारे में भी बताया, एंड करेक्शन भी आप लोगों ने देख लिया, जिसके अपन ने दो फार्मूले देखे पिछले लेक्चर में। ओके, पिछले लेक्चर में दो फार्मूले देख लिए। ओके, हाँ ऑल इज़ वेल, थैंक यू तनेश्वर, थैंक यू बच्चा। ओके, तो ई का फार्मूला देखा है अपन ने एंड करेक्शन का, पिछले लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था। ओके, वाइब्रेशन ऑफ प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं तो उसका भी अपन ने पिछले लेक्चर में देखे थे कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो 1/12 अंडर रूट ऑफ T/M है। ओके, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो 1/12, माउस अटक गया बच्चा, नहीं अटकना चाहिए, माउस हीरो है, आ गया आ गया आ गया,
तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 अंडर रूट ऑफ t बाई m. ओके, ये जो वैल्यू है ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला है. तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था पिछले लेक्चर में कि जो फंडा ये जो स्मॉल l है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और ये t ये इस स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा जिस भी प्रकार से हम उसमें टेंशन डाल पाएंगे जिस भी प्रकार से हम उसमें टेंशन क्रिएट कर पाएंगे ओके उस तरीके से ये टेंशन रहेगा. और ये m मतलब मास पर यूनिट लेंथ है, टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं. बराबर है, स्मॉल m इज नथिंग बट द लीनियर डेंसिटी. हाँ ओके स्वप्निल, कोई बात नहीं बच्चा. ओके, m इज नथिंग बट द मास पर यूनिट लेंथ और लीनियर डेंसिटी. पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा लोग. ओके, तो इसके बेस पर फिर अपन आगे बढ़े. इसका सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक निकाला, सेकेंड हार्मोनिक यानी फर्स्ट ओवरटोन निकाला. ओके, फिर उसके बाद अपन ने थर्ड हार्मोनिक यानी सेकेंड ओवरटोन निकाला और एक ओवरटोन का फार्मूला दे दिया P+1 × N. ओके, ये ओवरटोन का फार्मूला पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने सिखाया था. ओके, तो अब देखो इसके बेस पर लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, यानी आज का क्लास अपना लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पे जाने वाला है. ओके, सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर द टेंशन इज गिवन बाय. ओके, कोई एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है और जो टेंशन में है उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है n इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट ऑफ t बाई m. ये फार्मूला ध्यान में रखना है. ओके, देखो बच्चा लोग, लोग बोलते हैं कि फिजिक्स को सिर्फ समझना है, लेकिन फिजिक्स को सिर्फ समझने से नहीं जमता, उसमें के बहुत सारे फार्मूले लर्न भी करना पड़ता, पाठ करना पड़ता, याद करना पड़ता. तो इस तरीके से ये जो फार्मूला है 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, इसको आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, या तो फिर इस पर से ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके, बिल्कुल. तो कुछ बातें ऐसी रहती है फिजिक्स के अंदर जो कुछ बातें आप लोगों को पाठ करना है, लर्न करना है, और बहुत सारी बातें समझना है. ओके, जैसे सिर्फ समझ में आ गया कि भैया हाँ स्ट्रिंग में फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक ओवरटोन होता है, लेकिन उसके फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ही याद नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं जमता. ओके, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला और बाकी भी बहुत सारे फार्मूले जो अपन फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं वो फार्मूले अपने को याद रहना चाहिए. ओके, तो देखो जब ये फार्मूला 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई एम ये फार्मूला अपने पास आ गया, तो इसके बेस पर अपन जो है वो तीन लॉज बना सकते. ओके, इसके बेस पर अपन जो है वो तीन लॉज बना सकते. ओके, तो इन लॉज को अपन थोड़ा और आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैं तुम लोगों को बता देता. जैसा अपने पास है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, बराबर है, अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, राइट. ओके, तो देखो अब अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को देखने की कोशिश किया तो यहाँ पे देखिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ओके, लेकिन कब, व्हेन द टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट. अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर वन. ओके, नंबर वन, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. कब, कब, इफ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ रिमेंस कांस्टेंट. अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है मतलब एन इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एल हो गया. ओके, एन इज इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट है, ये 1/2 भी कांस्टेंट है, तो कुल मिला के ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एल हो गया. यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एल, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते तो वहां पे कांस्टेंट को ला लेते, राइट. तो ये फार्मूले पर से हम एक पहला लॉ बन रहा, दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ लेंथ. ओके, दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ लेंथ. ओके, ये लॉ ऑफ लेंथ है. ओके, लॉ ऑफ लेंथ. ओके, लॉ ऑफ लेंथ. ओके, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. यानी अगर लेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी बड़ी,
छोटी सी अगर एक वायर लो यहाँ से बांध दो एक तार, उसको बजाओ तो उसमें से टुन टुन आवाज आएंगी, टुन टुन यानी टुन टुन। देखो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ओके लेंथ अगर छोटी है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन अगर बड़ी तार लोगे तुम और उसको बजाओगे तो उसमें से ऐसी आवाज आएंगी, ऐसी नहीं आएंगी। मतलब वहां पे अगर तार छोटी है, अगर स्ट्रिंग छोटी है तो उसमें से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी रहेगी। कब? जब उसमें का टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा तो उस समय ये पहला लॉ बन रहा अपना, लॉ ऑफ लेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, नंबर वन। नंबर टू पे अगर मैं टेंशन को देख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, बराबर है, तो यहाँ पे ये बनेगा n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, ओके n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, ओके रूट ऑफ टेंशन, ये टेंशन के रूट को ये n प्रोपोर्शनल हो गया। कब? जब ये आइटम, ये जो m और l है ये अगर कांस्टेंट बन गए तो यहाँ पे बनेगा n इज n इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अपन बोलते जनरली कि k ऑफ अंडर रूट ऑफ t, k इज नथिंग बट द कांस्टेंट, तो अपन बोल सकते n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, ओके n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, प्रोपोर्शनैलिटी दसवीं में पढ़े होंगे तुम लोगों ने, ओके तो यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, लेकिन कब? इफ लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ रिमेंस कांस्टेंट, अगर l और m अगर कांस्टेंट है तो ये लॉ बनता कि n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, ओके सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ टेंशन, ओके लॉ ऑफ टेंशन, इसको लॉ ऑफ टेंशन बोलते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, ओके इफ l एंड m रिमेंस कांस्टेंट, दिस ये हो गया अपना तीसरा लॉ। दूसरा लॉ, तीसरे लॉ में अपन जाएंगे, अगर आप देखोगे कि ये m, तो यहाँ पे आप देखोगे कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, ओके n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, लेकिन कब? जब ये दो आइटम कांस्टेंट रहेंगे, ओके इफ द l एंड t रिमेंस कांस्टेंट, ओके इफ l एंड t रिमेंस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ओके ये कांस्टेंट चीज है अगर आगे तो, ओके कांस्टेंट, सो ये दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ और लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, ओके दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, ओके पर यूनिट यूनिट लेंथ, ओके मास लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ और लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, ओके लीनियर डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी इफ लेंथ एंड टेंशन रिमेंस कॉन्स्टेंट, इफ लेंथ एंड टेंशन रिमेंस कॉन्स्टेंट, दीज आर द थ्री लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ओके ये लॉज है, ये तीन लॉज है, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी और लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये तीन लॉ के पीछे का बैकग्राउंड आप लोगों को बताया हूं, ओके ये तीन लॉ जो एक फार्मूले से बनते और वो तीन लॉ आप लोगों के सामने यहां पर है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ t बाय m, दिस इज द फार्मूला, फ्रॉम दिस फार्मूला थ्री लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कैन बी गिवन एज फॉलो। नंबर वन, लॉ ऑफ लेंथ, देखो आप लोगों के समझ में आ चुका होगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इफ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट है, इफ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कांस्टेंट, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। सिमिलरली द लॉ ऑफ टेंशन, दूसरा लॉ बता रहा हूं, ओके दूसरा लॉ, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, ओके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टेंशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टेंशन। कब? कब? इफ वाइब्रेटिंग लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कॉन्स्टेंट,
इफ वाइब्रेटिंग लेंथ एल एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कॉन्स्टेंट, ये दोनों अगर कॉन्स्टेंट रहेंगे तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, ये अपना दूसरा लॉ हुआ. ओके, तीसरा लॉ अपन जाएंगे लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी या फिर लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते इसको. सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एन इज नथिंग बट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर डेंसिटी, पर यूनिट लेंथ का जो भी मास है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. लेकिन कब? इफ द टेंशन एंड वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर कॉन्स्टेंट, अगर वाइब्रेटिंग लेंथ और टेंशन आर कॉन्स्टेंट एट दैट टाइम एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम. ये तीन लॉ है मेरे बच्चों. ओके, ये तीन लॉ है. ओके, नाउ अब देखिए कि ये लॉ को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं. लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी को हम मॉडिफाई करके दो फॉर्म में दे सकते हैं इसको. ओके, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है. ये तो पहला फॉर्म हो गया, देखिए 1 upon अंडर रूट ऑफ m इफ l एंड t आर कॉन्स्टेंट. अब इसको अगर हमने स्मॉल m को मॉडिफाई कर दिया रो पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा इसका रो पाई आर स्क्वायर, तो ये लॉ जो है वो दो प्रकार से भी हम दे सकते. तो ये है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी. सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, नंबर वन. वो रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग पर भी डिपेंडेंट रह सकती, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी हो सकती. यानी ये जो लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है इसके तीन फॉर्म अपने पास रहेंगे. ये स्मॉल m को हम जो है वो दो फॉर्म में और कन्वर्ट कर देंगे, बराबर है, इसको इस दो फॉर्म में और कन्वर्ट कर देंगे. तो कैसा करेंगे समझ लो थोड़ी देर के लिए. If r is the radius and rho is the density, अगर वो जो भी स्ट्रिंग है उसका जो रेडियस है, वो जो भी तार है उसका जो एक रेडियस है, और वो किसी मटेरियल से बनी हुई होंगी, जैसा फॉर एग्जाम्पल कॉपर से बनी होंगी उसकी डेंसिटी है, अल्यूमिनियम से बनी हुई होंगी, मेटल अगर है एल्यूमिनियम से बनी होंगी उसकी कुछ डेंसिटी होंगी, किसी धागे से बनी हुई होंगी उसकी कुछ डेंसिटी होंगी. तो देखिए यहाँ पर जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है वो अब अलग अलग मटेरियल पर भी डिपेंडेंट आ हो गई. यानी अगर आपने कॉपर की स्ट्रिंग बजाया, ओके, तो अलग फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकलेंगी. अगर अल्युमिनियम की स्ट्रिंग बजाया, अगर लोहे की स्ट्रिंग बजाया, तो डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी पर. देखिए मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होती है. तो यहाँ पर रेडियस जो है वो आर है उस स्ट्रिंग का, और डेंसिटी जो है वो रो है फॉर एग्जाम्पल. तो एंड एम इज नथिंग बट द मास, ओके, एम इज नथिंग बट द टोटल मास. तो हम लीनियर डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं? मास पर यूनिट लेंथ यानी टोटल मास डिवाइडेड बाय एल. लेकिन डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. ओके, लेकिन जब कभी भी हम कोई वायर की बात करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो पाई आर स्क्वायर एल रहेगा, बराबर है. तो ये वॉल्यूम की जगह पे अगर हमने पाई आर स्क्वायर डाल दिया यहाँ पे, ओके, तो यहाँ से अपने पास आएगा स्मॉल एम का वैल्यू. और स्मॉल एम का वैल्यू जब अपन इस फार्मूले में डालेंगे तो यहाँ से दो अल्टरनेटिव फार्मूले सामने आएंगे, राइट. तो देखो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ओके, कि लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ जो है, ओके, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ जो है वो दो तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते. ये सिंपल से लॉ है, इसको मैं ज्यादा खींच रहा नहीं. ओके, तो लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ क्या बोलता? कि यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इफ लेंथ एंड टेंशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ओके, अगर ये लेंथ और टेंशन कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर n जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m. अब ये स्मॉल m क्या है? अगर ये एक स्मॉल m क्या है, ये जो भी एक तार है यहाँ, अगर इसको जूम करके देख रहा मैं, बराबर, ये जो तार है इसको मैं जूम करके देख रहा,
ये इसकी लेंथ है, बराबर ये इसकी लेंथ है और ये इस स्ट्रिंग का यानी तार का रेडियस है। ओके, ये स्ट्रिंग का और तार का जो भी तार है उसका रेडियस है ये, राइट। तो और इसका डेंसिटी जो है वो रो है, इसका मास जो है वो कैपिटल एम है। इसको जो है वो छोटी तार को मैं जो है वो जूम करके देख रहा हूँ, इतनी मोटी तार तो बजेंगी नहीं, लेकिन अपन देखेंगे यहाँ पर ओके कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना मोटा तार रहेगा उतना कम फ्रीक्वेंसी रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे ये जो रेडियस की अगर बात करेंगे तो ये रेडियस हो गई इस तार की, ये जो है वो लेंथ हो गई, ओके ये जो है वो मास है। और देखिए ये जो लीनियर डेंसिटी है ये स्मॉल एम, दिस इज नथिंग बट मास पर यूनिट, ओके पर यूनिट लेंथ, ओके दिस इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। यानी ये स्मॉल एम का जो वैल्यू है ये मास डिवाइडेड बाय स्मॉल एम है, ओके जो भी टोटल मास होगा उसको डिवाइडेड बाय एल कर दिया तो ये स्मॉल एम का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। लेकिन हमको मालूम है कोई भी मटेरियल जब होता है तो उसका जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मैंने 11वीं जब आप लोगों को पढ़ाया तो डेंसिटी के बारे में पढ़ाया था, ओके कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पे मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर मैंने यहाँ पे रखा तो स्मॉल एम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एल, बराबर है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एल, ओके। अब देखो इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ओके देखो जब कभी भी आप लोगों को मालूम है कि ये सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, तो ये सिलेंडर का आप वॉल्यूम निकालते तो इसकी हाइट और ये एरिया, हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये सिलेंडर का आप वॉल्यूम निकालते। वैसे ये एक छोटा एक आड़ा सिलेंडर यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू एरिया, ये जो एरिया है यहाँ का जो एरिया है जिसका रेडियस अपने को मालूम है आर, ये एरिया रहेगा पाई आर स्क्वेयर, ओके पाई आर स्क्वेयर, वो एरिया रहेगा पाई आर स्क्वेयर, राइट। पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई एल अगर कर दिया तो यहाँ पे वॉल्यूम बन जाएगा इसका, ओके ये जो भी वायर है इसका वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वेयर एल, ओके ये वॉल्यूम। तो देखो सबसे पहले अपन ने एम की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख दिए थे यहाँ पे, अब वॉल्यूम की जगह पर पाई आर स्क्वेयर एल रखना है, ओके वॉल्यूम की जगह पर पाई आर स्क्वेयर एल रखना है। तो पाई आर स्क्वेयर अगर एल मैं वहां पे रखूंगा तो यहां पर मेरे पास बन जाएगा, ओके यहां पर मेरे पास बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एल डिवाइडेड बाई एल। तो ये एल एल यहां से गया तो मेरे पास डेंसिटी बन जाएंगी, लीनियर डेंसिटी बन जाएंगी रो पाई आर स्क्वेयर, ओके। तो देखो ये लीनियर डेंसिटी के फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई कर दिया, ओके लीनियर डेंसिटी के फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर। अब ये लीनियर डेंसिटी का जो वैल्यू है ये मैं इसमें रखूंगा, बराबर है इसमें रखूंगा मैं। तो देखो अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन बन रही कि n इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ, ओके अंडर रूट ऑफ डेंसिटी पाई आर स्क्वेयर, ओके डेंसिटी पाई आर स्क्वेयर, मतलब यहां से मेरे पास दो फार्मूले आ जाएंगे, यानी n ये तो पाई तो कांस्टेंट है, बराबर है पाई तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट ऑफ डेंसिटी। यहां से मैं दो टाइप के मॉडिफिकेशन बोल सकता, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट दे सकता कि n इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रो, पाई तो कांस्टेंट है, एंड n इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन r, ओके r क्यों, क्योंकि जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो ये इसका स्क्वायर कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब अपने पास आ गए दो अल्टरनेटिव फॉर्म, ओके दो अल्टरनेटिव फॉर्म। पहले तो अपन ने बोले थे कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ, ओके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या स्ट्रेच्ड यानी तनी हुई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ। और अल्टरनेटिवली हम इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम इसका ऐसा बोल सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल
एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग. अगर रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग ऐसा भी अपन यहाँ पर मॉडिफाइड या अल्टरनेटिव फॉर्म में बोल सकते हैं. ओके, बड़ी सिंपल चीजें हैं ये, बराबर है, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं. ओके, कोई बात नहीं, रुतिका खंडारे, कोई बात नहीं बच्चा. ओके, सॉरी समीक्षा खंडारे, लेट होता है चलता है, लेकिन आपने पिछला वीडियो देखना है. ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया. ओके, यहाँ पर मैंने मॉडिफाई, ये पहला लॉ, ये दूसरा लॉ और ये तीसरा लॉ, मैंने इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर पाई रो पाई आर स्क्वायर ला लिया यहाँ पे. ओके, रो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे ला लिया, और ये एम की जगह पर मैं जब इसको रखूँगा, ओके, जब ये मैं एम की जगह पर इसको रखूँगा, तो मैं यहाँ पर दो लॉ प्रपोज कर सकता. फिर से लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी जो है वो दो फॉर्म में हमारे पास आ सकती. ओके ओके, थैंक यू बच्चा. वन अपॉन रूट ऑफ रो, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. सो दस अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर वन रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, नंबर टू स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. ओके, मटेरियल ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, राइट. ओके, तो देखो अब और एक छोटी सी बात जो अपने को प्रॉब्लम में लगेंगी वो मैं तुम लोगों को बताता, बराबर है. ओके, कि देखो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं तो हम कंडीशन की फार्मूले बना सकते हैं. ओके, कंडीशन का फार्मूला बना सकते हैं अपन. जैसा पहला लॉ है, लॉ ऑफ लेंथ, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल इफ टी एंड एम आर कॉन्स्टेंट. ओके, टी एम एन आर, इफ टी एंड एम आर कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई एल. ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटा दिया तो वहां पे क्या बन गया? कॉन्स्टेंट. मतलब ये है NL इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर है, NL इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अगर ये कंडीशन यहां सेटिस्फाइड होती है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है N और L का, चाहे आप एक लेंथ लो उसकी कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होंगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल लेंथ है 2 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज की, तो ये हो जाएगा अपने पास 200, फॉर एग्जांपल. अगर ये 200, तो ये 200 हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के लिए. यानी अगर आपने ये अभी, हाँ, अगर आपने लेंथ को जो है वो 4 कर दिया, अगर यहाँ पे लेंथ 2 है, L2 4 है, तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी निकलेंगी N2 निकलेंगी वो निकलेंगी 50, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 200 आना चाहिए. ओके, तो हमेशा जब कभी भी यहाँ पर हम वेरिएशन करेंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, अगर उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएंगी, तो वहां पे कंडीशन क्या बनेगी कि एन वन एल वन इक्वल टू एन टू एल टू इक्वल टू एन थ्री एल थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यानी एक बार आपने सेटिंग कर लिया मास पर यूनिट लेंथ का, स्मॉल एम का, ओके, मास पर यूनिट लेंथ का और टेंशन का, तो बाद में लेंथ के अनुसार आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी, और किस पैटर्न में चेंज होंगे, इनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. यानी यहां पर एन वन एल वन, इसका मतलब क्या है? एन एल इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है कि पहली कंडीशन में एन वन एल वन दिस इज इक्वल टू एन टू एल टू, तीसरी चौथी पांचवी जो भी कंडीशन रखेंगे आप यहां पर, जो भी आप वेरिएशन करोगे वो ये पैटर्न में रहेगा, लेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो पैटर्न रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. N3 L3 equal to constant या फिर N4 L4 equal to constant. तो देखिए ये इस तरीके से हमको प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगी. लॉ ऑफ पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि NL equal to constant, यानी N1 L1 equal to N2 L2. ओके, L1 L1, N1 L1 equal to N2 L2 equal to N3 L3 equal to N4 L4 is equal, क्योंकि equal है ना, सब constant है ना, ये constant तो vary नहीं होता ना, तो NL का product जो है वो constant रहने वाला है. तो ये है तुम्हारा, हमको condition का problem जब solve करने का समय आएगा तो उस समय पहले condition में ऐसा था तो दूसरे condition में कैसा होगा, तो अपन यहाँ पे law of length लगा पाएंगे.
ओके नंबर टू, एन इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी. अगेन एन इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी. यहाँ पर एम एंड टी, एम एंड एल आर कॉन्स्टेंट. ओके यहाँ पर जो है वो एम और एल, देखो मेरे दिमाग कहाँ से चल रहा मालूम है ना, एम इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेल्व अंडर रूट ऑफ टी बाई एम. तो जब मैं टी लेता तो एल और एम को कॉन्स्टेंट कर देता, और जब मैं एल लेता तो टी और एम को कॉन्स्टेंट कर देता, जब मैं एम लूंगा तो एल और टी को कॉन्स्टेंट कर दूंगा. तो ये जो सिचुएशन बनती वो ये, एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ टी, मतलब n अपॉन रूट ऑफ t, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके मतलब इसका ये है, इसका मतलब ये है कि n1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t1 इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t2 इज इक्वल टू n3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ p3 इज इक्वल टू n4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t4, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके इसका मतलब ये है कि आपके बाकी जो सिचुएशन है उसमें टेंशन और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो दोनों का जो डिवीजन है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. इस तरीके से ये स्ट्रिंग अपने आप को मेंटेन करते, बराबर ये स्ट्रिंग अपने आप को मेंटेन करते. उसी तरीके से आप समझदार हैं. अगर यहाँ पर तीसरा लॉ भी इस तरीके से रहेगा कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m इफ t एंड l आर कांस्टेंट, तो ये n अंडर रूट ऑफ m दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके ये इधर जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएंगी. तो एन वन रूट ऑफ एम वन इज इक्वल टू एन टू रूट ऑफ एम टू इज इक्वल टू एन थ्री रूट ऑफ एम थ्री दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन की जो है वो फार्मूला बनेगा, बराबर है. तो आगे अपने को प्रॉब्लम में इस तरीके से इस लॉस को डील करना है. ओके प्रॉब्लम में इस तरीके लॉस को अपने को जो है वो डील करना है. ओके 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 तो इस लॉस को अपने को इस तरीके से आगे जो है वो डील करना है. तो आप बात ध्यान में रखो, यहाँ आने वाली सिचुएशन भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो चर्चा कर लिया कि यहाँ पर n1 l1 इक्वल टू n2 l2 रहेगा. यहाँ पे n1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t1 इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t2 इस तरीके से रहेगा. यहाँ पर जो है वो n1 m रूट ऑफ m1 इक्वल टू n2 रूट ऑफ m2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस तरीके से. बाद में ये वाली सिचुएशन को भी अपन रेशोज में डील कर सकते हैं, बराबर है, रेशोज में यहाँ पे डील कर सकते हैं, राइट. तो ये है लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, राइट. ओके लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये तीन लॉज पढ़ने के बाद अपन एक टाइप के अब जो है वो एपरेटस में जाएंगे. ओके एपरेटस में जाएंगे. ओके ये लॉज ऑफ स्ट्रिंग, आप जब कॉलेज में जाओगे तो आप कॉलेज में ये सोनोमीटर नाम के एक एपरेटस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट करोगे, बराबर है. सोनोमीटर नाम के एक एपरेटस पर जो है वो आप जो है वो स्टडी करोगे, यानी प्रैक्टिकल करोगे. तो देखो अपने सिलेबस में ये है सोनोमीटर. ओके तो सोनोमीटर क्या है बेसिकली, तो सोनोमीटर कैन बी यूज टू वेरीफाई द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. ये तीनों भी जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के अपन ने लॉज पढ़ लिए, ये लॉस को वेरीफाई करने का काम ये सोनोमीटर करता, बराबर है. यहाँ पर जो ये दिख रहा ना आप लोगों को, ये जो एक तरीके का टेबल पर रखा हुआ एक इक्विपमेंट दिख रहा है यहाँ पर. ओके ये एक एपरेटस है जो इन लॉस को वेरीफाई करने का काम करता कि सही में ये ऐसा काम करती क्या स्ट्रिंग. टेंशन अगर चेंज कर दिया, लेंथ अगर चेंज कर दिया, या मास पर यूनिट लेंथ अगर चेंज कर दिया, तो सही में ऐसा होता क्या. तो ये लॉ ऑफ स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने के लिए सोनोमीटर नाम का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज होता है. अब ये सोनोमीटर है क्या चीज. अ सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ होलो, हाँ कब जाएंगे पता नहीं. अरे सही है सही है. मैंने ग्रुप पर मैसेज भी भेजा था, ग्रुप पर एक लड़की उसके पिताजी के साथ जाती, और पिताजी के साथ जब वो जाती तो अचानक उसका वो रुक जाते एक जगह पे, और उसका पिताजी जो है वो कुछ चॉकलेट वगैरह लेने के लिए उधर दुकान पर जाते, और ये लड़की एक बिल्डिंग की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ऐसा जाती. ओके धीरे धीरे वो लड़की वो धीरे धीरे एक बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए जाती. उसका बाप उधर दुकान में चॉकलेट लेता, और ये धीरे धीरे एक बिल्डिंग की तरफ जाती वो लड़की. हाँ वो लड़की बिल्डिंग की तरफ जाती, तो वो फिर उसका बाप देखता, अरे ये क्या हो रहा है, लड़की किधर जा रही.
तो वो लड़की को भागता, उसको पकड़ता, बोलता अरे बेटा किधर जा रही थी तू? तो बोलती डैडी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बिल्डिंग है इससे मेरा पुराने जन्म का नाता है, अरे पुराने जन्म का नाता है, शायद मैं पुराने जन्म में इसको जानती थी, ऐसा वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चली जाती है वो लड़की। तो उसका बाप एक झपड़ लगाता वो लड़की को, बोलता क्यों बेटा, अबे ये तेरा कोई पुराने जन्म का कोई नाता फाता नहीं है इससे, ये तेरी स्कूल है बेटा। वो लड़की को समझाता ये तेरी स्कूल है जो 2 साल से बंद है, 1.5 साल से बंद है। वो लड़की होश में आती थी। तो ऐसा हाँ पढ़ा होगा था आप लोगों ने हाँ। तो वो ऐसा है, वो स्कूल के सामने जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा इससे ये बिल्डिंग से कोई तो भी पुराने जन्म का नाता है, ऐसा कुछ तो भी था यहाँ, ऐसा वैसा वो सोचती। तो ये जाएंगे हर्षल जाएंगे, लोड मत ले, एक दिन आएगा, अगर एक दिन आएगा कि तुम भी स्कूल जाओगे बच्चों, ओके मेरे बच्चों तुम भी स्कूल जाओगे, तुम भी स्कूल में पढ़ोगे, तुम भी कॉलेज में पढ़ोगे, वो दिन आएंगे। अगे तो अभी अभी तो गए वो दिन तुम्हारे, हाँ तो वो दिन भी आएंगे तुम्हारे, फिक्र मत करना, तो आएंगे हर्षल आ जाएंगे वो दिन भी, हाँ है ना। तो जब तक के ये ऑनलाइन खेलो, अगे ऑनलाइन खेलो, ओके एक दूसरे के नाम चेहरे ना देखते हो, अपने दोस्तों के चेहरे ना देखते हो, नाम ही पढ़ के खुश हो जाया करो, ओके कि भैया अरे ये भी क्लास में बैठा है, ये भी क्लास में बैठा है, हाँ नाम ही पढ़ के खुश हो जाया करो, ओके कि ये भी मेरा दोस्त जो है वो, मैं ऐसा समझ लिया करो एक ख्याल में, अरे मैं मेरे दोस्त से मिल गया आज खान सर की क्लास में, ओके उसका नाम पढ़ लिया तो अरे वहाँ मुलाकात हो गई उससे, ऐसा बोलने का बस, तो सोच लेने का ऐसा, ओके सोच लेने का ऐसा कि आज ऑनलाइन मिल गए अपन, ओके दोस्तों से भी मिलना है तो ओके। तो चलो देखते हैं आगे बढ़ते, इसमें सोनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ओके तो उम्मीद है आप लोगों को ये लॉज समझ में आए होंगे, जो लॉज मैंने 3 लॉज पढ़ाए, ये 3 लॉज को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर सोनोमीटर का यूज होता, अगर 3 लॉज को वेरीफाई करने के लिए सोनोमीटर का यूज होता। ओके सो सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स कॉल्ड साउंड बॉक्स, ये एक तरीके का बॉक्स है, देखो ये साउंड बॉक्स है, ये लकड़े का एक बॉक्स होता है, ये अगर लकड़े का एक बॉक्स है, ये एक लकड़े का बॉक्स है, अगे हाँ कोई बात नहीं साक्षी चलता है अगे पुष्कर जवान मैसेज डालने का थोड़ा बहुत कोई लोड नहीं। ओके तो देखो ये एक सोनोमीटर जो है हाँ पीछे जन्म का नाता है पढ़ाने का भी स्वप्निल मैंने भेजा था हाँ। तो यहाँ जो सिचुएशन बनी हुई है ये सोनोमीटर में, ये एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है, अगे रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है कॉल्ड साउंड बॉक्स, सोनोमीटर के अंदर साउंड बॉक्स होता है, अगे सोनोमीटर के अंदर एक साउंड बॉक्स होता है। ओके देर आर 2 ब्रिजेस, ये एक लकड़े के ब्रिजेस बने रहते हैं, इसके ऊपर एक स्टील का कोन होता है। ओके ये एक 2 ब्रिजेस है यहाँ पे, ये ट्रायंगुलर टाइप के जो यहाँ पर ए और बी दिख रहे ना आप लोगों को, ये ब्रिजेस हैं। ओके ये ब्रिजेस हैं यहाँ पर, ओके ये ब्रिजेस हैं, सो देर आर 2 ब्रिजेस पी एंड क्यू, ओके पी एंड क्यू नहीं है यहाँ पे, ए और बी है बच्चा, हाँ ए और बी। ओके देर आर 2 ब्रिजेस पी एंड क्यू, यहाँ पर ए बी लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 ब्रिजेस है पी एंड क्यू, ये 2 ब्रिजेस है। ओके दो अलोंग द विड्थ पे रखे हुए हैं, ओके सोनोमीटर बॉक्स की विड्थ पर वो 2 ब्रिजेस रखे हुए हैं, ओके सोनोमीटर बॉक्स के 2 विड्थ पर 2 ब्रिजेस रखे हुए हैं। ओके विच कैन मूव पैरेलल टू द लेंथ, जो लेंथ को पैरेलली मूव हो सकते, ओके जो लेंथ को पैरेलली मूव हो सकते, बराबर है। देखो ये मुद्दा समझाता मैं तुम लोगों को कि सोनोमीटर बॉक्स जो सोनोमीटर का जो एपरेटस है, वो एपरेटस में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसको साउंड बॉक्स बोल रहे। ओके ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बराबर ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बराबर इस तरीके का, इसको साउंड बॉक्स बोल रहे सोनोमीटर, और ये कहीं टेबल पर रखा होगा, बराबर कहीं टेबल पर रखा है। तो देखो ये साउंड बॉक्स को 2 होल भी रहते हैं, अगे 2 होल भी रहते हैं, ये पूरा एक लकड़े का साउंड बॉक्स है, उडन का साउंड बॉक्स है, और जो ब्रिजेस हैं वो इस तरीके के ब्रिजेस हैं, बराबर है इस तरीके के वो जो है वो ब्रिजेस हैं, बराबर है, यानी यहाँ पर जो है वो इस तरीके का जो है वो ब्रिजेस है। ओके इस तरीके के जो है वो ब्रिजेस है, बराबर कैसा बनाऊँ इसको,
ओके इस तरीके के, ओके इस तरीके के दो ब्रिजे, एक ब्रिज है ये जो है ये सोनोमीटर की लेंथ है, देखो बॉक्स की लेंथ है, ओके ये सोनोमीटर के बॉक्स की लेंथ है, ये जो है ये विड्थ है बराबर, ये जो है वो विड्थ है और ये जो है ये हाइट है। सोनोमीटर बॉक्स की तीनों भी लोकेशन देख लो आप, ओके तो यहाँ पर ये इसकी लेंथ ऑफ द सोनोमीटर बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ये जो ब्रिजेज हैं वो यहाँ पर इस तरीके से रखे हुए हैं बराबर है, ये जो ब्रिजेज हैं अलोंग द विड्थ रखे हुए हैं बराबर है, ये जो ब्रिजेज हैं ये अलोंग द विड्थ रखे हुए हैं, ओके ये जो ब्रिज है ये अलोंग द विड्थ जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं, ओके इस तरीके से करना पड़ेगा, अलोंग द विड्थ जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं इस तरीके से, अलोंग द विड्थ देखो ये ब्रिज कैसे रखे हैं अलोंग द विड्थ, और ये मूव हो सकते अलोंग द लेंथ, यानी मैं इनको इधर उधर कर सकता बराबर है, इनको जो है वो इधर उधर कर सकता, अलोंग द लेंथ मूव हो सकते हो, ओके अलोंग द लेंथ मूव हो सकते हैं और रखे हुए कैसे हैं अलोंग द विड्थ, ओके अलोंग द विड्थ रखे हुए हैं, अलोंग द लेंथ जो है वो मूव हो सकते सोनोमीटर के बॉक्स पे जो ब्रिजेज वहां पे रखे हैं, ओके जो दो ब्रिजेज वहां पे रखे हैं, ये जो दो ब्रिजेज यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, ओके ये जो दो ब्रिजेज हैं ये अलोंग द विड्थ रखे हुए हैं, ओके जो विड्थ ऑफ द बॉक्स, ओके अलोंग द विड्थ ऑफ द बॉक्स एंड कैन मूव पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द बॉक्स, और बॉक्स के लेंथ को पैरेलली मूव हो सकते हो, ओके बॉक्स के लेंथ को पैरेलली मूव हो सकते हो, देखो जहां भी ये मेटल टच करेगा ना वो लेंथ बन जाएंगी सोनोमीटर वायर के, ओके आगे देखते। तो अभी ये एक वुडन बॉक्स के ऊपर दो ब्रिजेज रखे हुए हैं अलोंग द विड्थ, और वो मूव हो सकते अलोंग द लेंथ, ओके वो मूव हो सकते अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ओके वो हो सकते ओके अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रिज, वो अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉक्स वो मूव हो सकते, ओके बात समझ में आगे होंगे आपकी, कोशिश किया मैंने डायग्राम निकाल के समझाने। अब देखो अ मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रन अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉक्स ओवर द ब्रिजेस, ओके एक मेटल वायर रन करते हुए आगे भी देख लेते, ओके ब्रिज पर से होता हुआ जो है वो सोनोमीटर में है। अ मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रन अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग में रन किया होता है यानी रखा हुआ है, ओके ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से यहां पर एक वायर लगाया हुआ है, एक स्ट्रिंग लगाई हुई है, ओके इट इज फिक्स एट वन एंड, जो एक तरफ से फिक्स है, ओके बाई हुक, एक हुक से यहां पर फिक्स कर दिया इस वायर को, इट इज फिक्स एट वन एंड एंड अनदर एंड पास थ्रू द पुल्ली, दूसरा एंड उस वायर का पुल्ली से पास हो रहा है बराबर है, पुल्ली से पास हो रहा है, एक एंड हुक में फिक्स किया हुआ है और दूसरा एंड पुल्ली से पास होते हुए इधर जा रहा है, ओके और स्लॉटेड वेट कैन बी अटैच टू द फ्री एंड बाय यूजिंग द हैंगर, हैंगर के थ्रू यहाँ पे स्लॉटेड वेट जो है वो अपन ऐड कर सकते हैं, ओके यानी आप देखो यहाँ पर जो सोनोमीटर का बॉक्स था, सोनोमीटर का बॉक्स जो है उसमें एक साउंड बॉक्स, सोनोमीटर का जो एपरेटस है उसमें एक साउंड बॉक्स है, दो ब्रिजेज है जो अलोंग द विड्थ रखे हुए, ये एक हुक से यहाँ से, अगे ये एक हुक से यहाँ से ये वायर ये ब्रिजेस पर से होते हुए, अगे ये एक पुल्ली से गुजरता है, अगे पुल्ली से गुजरता है और यहाँ पर लटकता है, ओके एक वायर एक पुल्ली, यानी यहाँ पर जो है वो पुल्ली, ओके कुएं में से पानी निकालते वक्त एक पुल्ली रहती नहीं, वैसी एक छोटी सी पुल्ली यहाँ पर, ये वायर एक हुक से अटक के हुक में अटका हुआ है और ये हुक से होते हुए ब्रिजेस पे से होते हुए ये पुल्ली से होते हुए ये पुल्ली से पास हो रहा, जिसके फ्री एंड पर एक हैंगर में, ओके एक हैंगर में यहाँ पे अपन वेट डाल सकते हैं, ओके यहाँ पे अपन वेट डाल सकते हैं स्लॉटेड वेट, जिम में अगर आप जाएंगे ना तो आप वेट डाल सकते हैं जिम में, ऐसे जो है वो स्क्वायर वेट रहते हैं, आप वेट बढ़ा सकते हैं, मार रहे होंगे तो नीचे से वेट बढ़ा सकते, तो वैसे यहाँ पे गोल पत्थर रहते हैं वेट के, यहाँ पे आप इसको ये हैंगर में लगा सकते। तो देखो यहाँ पर अभी अरेंजमेंट हो गया कि ये हुक से फिक्स कर दिया हुआ है, फिक्स कर दिया, ये वेट यहाँ पे लगा दिया,
ये जितना ज्यादा वेट रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पे टेंशन रहेगा। ये देखो ये वेट और टेंशन आपस में रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पे जितना ज्यादा वेट डालेंगे उतना ज्यादा ये स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा, बराबर है। अब देखो यहाँ पे टच हो रहा ना ये पॉइंट, यहाँ पे टच हो रहा ना, तो यहाँ पे इसमें अगर वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं तो ये जो दो पॉइंट है ना, ये जो दो पॉइंट जहां पर भी ये ब्रिज पे टच हो रहा, वो दो पॉइंट एंड पॉइंट बन जाएंगे उसके, और ये एरिया में यहां पर स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिजेज है ना, ये लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बनेंगी। ओके, लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बनेंगी ये लेंथ। ओके, देखो अब वेरिएशन, अभी मैंने बोला ना वहां पे N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, उसी तरीके से यहां पर N1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ T1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ T2, ये लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। तीसरा भी है, तो देखो यहां पे आप अलग अलग कंडीशन में कैसा L1, यानी ये देखो ब्रिज इतने नजदीक है ये L1, अब अगर ब्रिज को और नजदीक कर दिया तो लेंथ बदल जाएंगी। जब लेंथ बदल जाएगी तो कौन सी फ्रीक्वेंसी बाहर निकल रही, बात समझ रहे, लेंथ बदल जाएगी तो कौन सी फ्रीक्वेंसी बाहर निकल रही, ये चीज अपने सामने आएंगी सोनोमीटर से। ओके, जैसा यहां पर ये पहले कुछ वेट लगाया, ये लेंथ कांस्टेंट है, ये जो मास पर यूनिट लेंथ है ये भी अपने पास कांस्टेंट है। देखो चारों भी पैरामीटर अपने पास आ रहे हैं। ओके, कि n इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट ऑफ t बाय m, ये मास पर यूनिट लेंथ, यानी ये वायर, ये तार, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को बदल दिया तो m भी बदल जाएगा। टेंशन, टेंशन ये टी, यहां से टेंशन बदल दिया तो ये वेट बदल दिया तो टेंशन बदल जाएगा। ये ब्रिज की पोजीशन अगर बदल दिया तो वाइब्रेशन की लेंथ बदल जाएंगी। यानी देखो सारी चीजें वैरी करने वाली सिचुएशन आ गई अपने पास, क्या एल भी चेंज कर सकते, टी भी चेंज कर सकते, एम भी चेंज कर सकते, तीनों भी चीजें अपन चेंज कर सकते और करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी देख सकते, बराबर है, करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को अपन देख सकते कि भैया इतनी लेंथ पर कितनी फ्रीक्वेंसी, इतने टेंशन पर कितनी फ्रीक्वेंसी, ये मास पर यूनिट लेंथ है तो कितना फ्रीक्वेंसी, दूसरा मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा तो कितना फ्रीक्वेंसी। तो ये जो सोनोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है, ये लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ को, सॉरी लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को, जितने भी तीन लॉज अपन ने देखे उनको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे सोनोमीटर का यूज होता। इस तरीके से ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ओके, इस तरीके से ये पिछले ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, राइट। तो यहां पर देखो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ सोनोमीटर। आज मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ सोनोमीटर बता दिया, अगर लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बता दिया, अगर लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ सोनोमीटर बता दिया। अगले लेक्चर में संडे के दिन यानी कल अपन फिर एक लेक्चर लेंगे, और संडे के दिन भी अपना लेक्चर होगा। मंडे के दिन मैं छुट्टी दूंगा क्योंकि मंडे के दिन मुझे काम है, तो मंडे के दिन मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, तो संडे के दिन कल मैं आपका लेक्चर ले लूंगा और वहां पर अपन वर्किंग ऑफ सोनोमीटर, ओके, और फिर बाद में वेरिफिकेशन सीखेंगे। ओके, लॉज वेरीफाई किस तरीके से करते, ये सारा वेरिफिकेशन अपन जो है वो सीखेंगे, और उसके बाद अपन फिर बीट्स में जाएंगे। फाइनल टॉपिक है इसका बीट का, बीट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता, बराबर है। तो अब अपने पास है दो पॉइंट, इसके लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को अपने को वेरीफाई करना है और बीट पढ़ना है। दो पॉइंट बचे हुए हैं इस चैप्टर के, बराबर है, दो पॉइंट बचे हुए इस चैप्टर के, और ये पॉइंट जैसे ही हो गए, बराबर है, आप लोगों को टेस्ट देना है इस चैप्टर पे। ओके, मैं पेपर भेजूंगा, ओके, और आप लोगों को सॉल्व करना है घर बैठे, ओके, पेपर को। हाँ, वेट एज ऑफ दिस लेसन इन बोर्ड, वेटेज 7 मार्क का चैप्टर है ये, बराबर, बोर्ड में 7 मार्क का चैप्टर है बच्चा। ओके, हाँ, ओके, साइली कड़ू 7 मार्क का चैप्टर है ये बच्चा। ओके, आपका कोई भी डाउट होगा तो मेरे को मैसेज करो, बराबर है। वैसे अगर कुछ डाउट है तो पहले लेक्चर देख लो, मैंने एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, मैं अभी रुकता हूँ। हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए मेरे बच्चों, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।